अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः अनुसंधान निम्न प्रकार के होते हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शनेबल रिसर्च, अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान हिस्टोरिकल रिसर्च। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। विभिन्न पद भूतकाल के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं जिसका संबंध वर्तमान एवं भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य हैं भूत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क रहना। शिक्षा, मनोविज्ञान आमदा सामाजिक विज्ञान में चिंतन को नई दिशा देना। भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति। वर्तमान में सिद्धांत और क्रियाओं जो व्यवहार में हैं उनके उद्भव में विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण। ऐतिहासिक अनुसंधान के चरण स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच। ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित चरण होते हैं। आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, उपरोक्त आधार पर तथ्यों का विश्लेषण एवं रिपोर्ट। ऐतिहासिक अनुसंधान के निम्नलिखित बातों को शामिल किया जाता है। शिक्षा शास्त्रियों मनोवैज्ञानिकों के सुझाव, प्रयोगशाला एवं संस्थाओं द्वारा दिए गए व्यावहारिक कार्य, विभिन्न समय अवधि में विचारों के बदलाव व विकास की स्थिति, विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव व उनके स्रोत, पुस्तक की सूची की तैयारी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।